हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेजर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने देखी थी 10th एंड 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें हमने क्या देखा था, दमन एंड दीव ऐड हो गई थी और गोवा को हमने स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया है। 25th स्टेट बन गई थी हमारी गोवा एंड 8th यूनियन टेरिटरी बनी थी दमन एंड दीव। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग नागालैंड के बारे में और नागा के बारे में, अफ्सपा के बारे में आपको जानने को मिलेगा, अफ्सपा कब एनेक्ट हुआ था, देन उसके बाद आर्टिकल 239A के बारे में जानने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, जुड़े रहिए लास्ट तक। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी आए वो आपको आपकी स्क्रीन पे पहले मिले। ऑलराइट, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अमेंडमेंट जो थी 13th वाली, जो आई थी 1962 में, इसका बैकग्राउंड एक बार सुन लो आप लोग। बैकग्राउंड में क्या था, नागा ने 1918 में, ठीक है, 1918 में नागालैंड ने ब्रिटिश को रिक्वेस्ट की कि हमको आप इंडियन यूनियन टेरिटरी में नहीं शामिल के लिए हमें एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दो। ठीक है, इसी बारे में 1946 में हम लोगों ने एक काउंसिल बिठाई, जिस काउंसिल को बोला गया NNC, दैट इज नागा नेशनल काउंसिल, फाउंडेड की गई किसके द्वारा, फिजो के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ये। देन NNC ने डिक्लेयर किया नागा को इंडिपेंडेंट स्टेट, कब, 14th अगस्त 1947 में। ठीक है, अच्छे से सुनिए, 1947 में हमने इसको क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, देन फर्दर क्या हुआ, 1951 में हम आजाद आजाद हो गए थे 1947 में। 1951 में हमने प्लेबिसाइट कराया, ताकि जो नागा है उसको एक सोवरियन कंट्री बना दे। ठीक है, वो एक प्लेबिसाइट हुआ। ठीक है, 1952 में नागा की नागा फेडरल गवर्नमेंट बन गई, दैट इज NFG। ठीक है, नागा की नागा फेडरल गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद NFA, ठीक है, नागा की फेडरल आर्मी बन गई, जो कि काफ़ी दिक्कत देती थी नागाज को। तो नागा में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होने लगे, नागा क्राइसिस होने लगे, तो उनको रोकने के लिए हमने क्या एनेक्ट किया, दैट इज 1958 में हम लोगों ने लाया अफ्सपा। ठीक है, अफ्सपा ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, अफ्सपा की, अफ्सपा एक्ट हमने एनेक्ट किया कब, 1958 में, जो नागा क्राइसिस है उसको रोकने के लिए। देन 1960 में नागा के लोगों ने हमारी सरकार से बात की और बोला, ठीक है, आप लोग हमें अगर शामिल करना चाहते हैं हम लोग आप में शामिल होंगे, बट हमें आसाम से सेपरेट करिए। ठीक है, और सेपरेट बना के एक यूटी बनाइए, नो इश्यू, बना सकते हो आप लोग, बट उसमें एक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी कि हमें 10 साल तक, मतलब ये कब बनी थी यूटी, दैट इज 1962 में। ठीक है, 1962 से 1972 तक हमें सिर्फ गवर्नर रूल करेंगे, ठीक है, और कोई नहीं होगा, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्शन होके जो भी होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई, ठीक, ऑल राइट। तो ये था अबाउट नागालैंड, जो कि स्टेट ऑफ आसाम से हमने अलग करके, एज अ ट्राइबल एरिया अलग करके हमने इसको यूटी का दर्जा दिया। एग्रीमेंट हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया, 1960 में, ठीक, अपना अपने इंडियन की और उनके बीच में, कि भाई साहब पीपल का कन्वेंशन जो था कि हमें गवर्नर रूल चाहिए, हम लोग अलग हो जाएंगे। ठीक है, नागालैंड फॉर्म हुआ स्पेशल स्टेटस के साथ, किसके अंदर, अंडर आर्टिकल 371। ठीक है, ये याद रखना, और किस पार्ट में जाता है ये, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पार्ट 11। ठीक है, आर्टिकल 370A के अंदर इनको स्पेशल एक्ट्स दिए गए, जो इन्होंने बोला था कि हमें गवर्नर रूल चाहिए 10 साल तक, ये है, बाकी भी इनको काफ़ी स्पेशल दिए, जैसे नागा में नागा का ही मैक्सिमम कल्चर रहता है। ठीक है, पार्लियामेंट की कोई भी इनेक्शन होती है वो पहले डायरेक्ट वहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि वो उनके पास है आर्टिकल 371A। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल नहीं, दैट इज अमेंडमेंट 14। ठीक है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी सेम इन 1962 में, इसमें क्या था, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है, एक काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन हुआ। क्या था, फ्रांस के पास हमारे इंडिया की काफी सारी टेरिटरीज थी, जैसे कराईकल, माहे, यनम, ये सब थी, तो इन सबको हमने सीड करके, उनसे लेके क्या एक्सचेंज ऑफ, हमने साइन करके लिया था, कोई लड़ाई करके नहीं ली थी इनसे। ठीक है, तो ये सबको हमने मिला के बनाई एक टेरिटरी, दैट इज पुडुचेरी। ठीक है,
पुडुचेरी भी थी, कराईकल भी थी, माहे भी थी, यनम भी थी, इन सबको मिला के हमने एज अ यूनियन टेरिटरी बनाई। कब? 1962 में। ये कब की बात हमने कब ली, 1962 में। और ये कब से रन करना शुरू हुई थी एज अ यूनियन टेरिटरी, दैट इज इन 1963, 1 जुलाई 1963, याद रखना। इसको इनेक्ट करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया, वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 239A। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कौन सा, 239A, ठीक है। आर्टिकल 239 क्या बताता है, सिर्फ 239 वो बताता है कि यूटी का मॉडल क्या रहेगा। 239A पे बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ पॉन्डिचेरी का मॉडल, ठीक है, याद रखना। और इसी 239A वाले मॉडल पे ही बेस्ड है क्या हमारी जो J&K का यूटी जो अभी बनी है, J&K वाली, वो भी हमारी पॉन्डिचेरी की सेम मॉडल पे हम लोग भी इफेक्टेड है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए 239A जो आर्टिकल है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ऐड हुआ था कब, 1962 में, अंडर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसी एक्ट के अंदर बताया गया था कि क्रिएट कर सकते हैं हम लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर दोनों किसी भी यूटी में, ये चीज़ याद रखना, ऑल राइट। और इसी अमेंडमेंट में हमने क्या किया था, जो यूनियन ऑफ थी किस किस की, ये हिमाचल भी तब यूटी होती थी, मणिपुर भी, त्रिपुरा, गोवा तो हमने देख लिया इसको स्टेट ऑफ दे दिया था, दमन एंड दीव, देन पुडुचेरी वर प्रोवाइडेड लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने अभी क्या बताया, 239A में क्या बोला गया है, क्रिएट कर सकते हो आप लोग लेजिस्लेटर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या बोथ। तो इसमें क्या बनाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, किस किस स्टेट में, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, ऑल राइट। देन इसी के अंडर ही बोला गया क्या कि प्रेजिडेंट जो होगा वो रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा पीस एंड प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, किसकी, यूटीज की, ऑल राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, आर्टिकल 239A मैंने आपको बताया, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नया इंसर्ट किया था जिसने क्या बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लेजिस्लेचर ऐड होगा किस किस को, एक बार फिर से सुन लो, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसी आर्टिकल पे बेस्ड है हमारा भी J&K का मॉडल, ठीक है। होप सो आपको 13th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे बिलो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, टिल देन ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।